खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पूर्व विधायक के नौकर की संदिग्ध मौत हो गई है। पूर्व एमएलए यशपाल चौधरी के नौकर ने फांसी लगा ली है। बेसमेंट पर लटका मिला है नौकर का शव। मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। विभूति खंड थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेसमेंट पर लटका नौकर का शव मिला है। मामले की पूरी जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। छानबीन जो है वो लगातार जारी है कि आखिर संदिग्ध मौत जो है पूर्व विधायक के नौकर की वो कैसे हुई। पूर्व एमएलए यशपाल चौधरी के नौकर ने फांसी लगा ली है, क्या कुछ वजह इसके पीछे की रही वो अभी तक नहीं पता चल पाया है। हालांकि बेसमेंट पर लटका मिला है नौकर का शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पर अभी तक मौत का खुलासा, आत्महत्या है या क्या कुछ मामला है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और मोहम्मद शैफ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। मोहम्मद, यशपाल चौधरी के नौकर ने फांसी लगा ली है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर कोई अपडेट? का तो हालत अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि मौके से ना तो कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है और पुलिस जो इस शुरुआती जो तफ्तीश होती है उसमें भी अभी तक ऐसी कोई बात खुल के सामने नहीं आई कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन जो ये समाजवादी के पूर्व विधायक हैं यशपाल चौधरी, लखीमपुर खीरी निवासी 22 वर्षीय मनोज यादव इनके घर में काफी समय से कार्यरत था, और जो जब विधायक से बात की गई तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि जो एक डेली रूटीन होता है जो नौकर था मनोज यादव, उसने उसको पूरी तरह से फॉलो किया, दिन में सबको खाना दिया। उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात आई, क्या वजह रही इसके पीछे, इसका हालांकि अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद वो बेसमेंट में गया जहाँ पे उसने रस्सी से अपने आप को लटका लिया और खुदकुशी कर ली। चलिए मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।